बादाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं और इनसे हमें प्रोटीन मिलता है जो कि स्वस्थ आहार के आवश्यक घटकों में से एक है और शरीर के अंदर होने वाली कई प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार निभाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 73% भारतीय रोजाना वांछित मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं और 90% लोग बादाम की आवश्यकता से अनजान हैं। उपभोक्ताओं को आहार में उचित मात्रा में प्रोटीन शामिल करने के महत्व पर शिक्षित करने के लिए कैलिफोर्निया के बादाम बोर्ड ने बादाम पर चर्चा कार्यक्रम जो है वो 14 दिसंबर 2023 को होटल हयात रेजेंसी चंडीगढ़ में आयोजित किया। इस दौरान भारत को प्रोटीन की समस्या को कम करने के लिए एक प्राकृतिक दृष्टिकोण पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रसिद्ध पंजाबी अभिनेत्री मोलिना सोडी और डाइटेटिस मैक्स हेल्थ केयर की क्षेत्रीय प्रमुख रितिका समधर ने इस कार्यक्रम का संचालन जो है किया। न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है एंड वो बॉडी में बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो रहे हैं। सो अगर हम एक मुट्ठी बादाम में अगर बात करें तो उसमें 6 ग्राम प्रोटीन है विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, स्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके अलावा उसमें जो ऑयल होता है वो मूफारिक, जिसे हम मोनोअनसैचुरेटेड एसिड कहते हैं, जो कि बहुत ऑल्सो आमंड्स आर लोडेड विद विटामिन ई जो कि एक एंटी ऑक्सीडेंट है जो आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को निकालता है, आपके स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। आमंड्स आर ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड जिंक, ये दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब हम आमंड्स के बारे में बात करते हैं, अगर आप इसे रोज़ाना एक मुट्ठी खाएंगे तो ये आपके ना सिर्फ एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है बट ऑल्सो हार्ट हेल्थ। मिलावटी चीज़ें हो रही है चाहे कोई भी चीज़ हो तो उसको लेकर कि कैसे हम बादाम की पहचान कर सकते हैं कि नहीं। सो बादाम इज़ नॉट अ प्रोसेस्ड फूड, ये नेचुरल फूड है तो ये आपको सीधा फार्म से मिल रहा है तो इसमें मिलावटी उतना नहीं हो सकता। एक चीज़ हमने देखी है मार्केट में, एक चीज़ बादाम 300 का भी है, 500 का भी, 1000 का भी है। हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा सा। नहीं तो वो तो उसके हिसाब से कि ऑब्वियसली वो क्वालिटी के हिसाब से होता है क्योंकि जो बादाम का होता है वो क्रिस्पनेस और उसकी जो रैंसिडिटी जो मैंने कहा जो जितनी देर आप उसे रख सकते हैं, क्योंकि ऑयल कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा होता है और अगर वो प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में ना हो तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मैम और ये छील के खाना चाहिए या कैसे इसको? सो बादाम को आप कभी भी ना छीलें बिकॉज बादाम इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, जो उसका फाइबर जो छिलका होता है उससे हमें रेशा मिलता है और फाइबर हमारे हार्ट हेल्थ डायबिटीज़ और वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बादाम को जब भी खाएं, अगर आप भिगो के भी खाते हैं तो उसका छिलका कभी मत उतारिए और अगर आप वैसे ही लेते हैं तो आप ये छिलका खा सकते हैं। सत श्रीकाल जी सारे, मैं बॉलीवुड से गई तो मैं एज अ एक्ट्रेस काम करती हूँ इंडस्ट्री के विच। तो अब सा ईवेंट से आलमंड्स के उत्ते मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली कि आलमंड्स के कि प्रोटीन होंगे। मैं लगता है असी अपनी लाइफ ना दूजे अकॉर्डिंग आप इनफ्लुएंस होकर आप वे प्रोटीन वाल या दूजे आर्टिफिशियल प्रोटीन वाल आप ज़्यादा इंप्रेस होंगे उन्होंने देख के, बट जो नैचुरल सोर्स ने आप भूलते जा रहे हैं। तो अज का जी कॉन्फ्रेंस से वो ये सी कि आलमंड्स के की बेनीफिट्स ने, कि प्रोटीन होंगे, तो बहुत सारे मिसकनसैप्शन से जो मेरे क्लीयर हुए हैं। जब आप लगता कि जो आलमंड्स होंगे उन्होंने तासीर गलत होंगी है तो इदा का कुछ नहीं होगा। तो दूजी गल कि सानू आमंड्स में छिल के खाना चाहिए सबनों लगता, बट नहीं तो सी तुहानू छिल के नहीं खाना चाहिए। आप दिन के 23 to 24 आमंड्स खा सकते हैं तो वो 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो ये सब आप अच गल की बहुत सारे मिसकनसैप्शन से जो दूर हो रहे हैं तो सानू नैचुरल डाइट वक्त तो बद लेनी चाहिए। प्रोजेक्ट मेरा रीसेंट जोड़ा प्रोजेक्ट हले आऊगा न्यू ईयर रिलीज़ होगा वो होगा नेक्स्ट ईयर, वैब सीरीज़ है राजधानी। तो होर भी बहुत कुछ है जोड़ा हमें मैं नहीं दस सकती, बहुत छेटे दसूँगी तो बहुत वाइया होगा, निराश नहीं होंगे। हाँ, ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।